activities. The activities are performed by my classmates. In the first activity, we are trying to understand the atmospheric pressure. Effect of atmospheric pressure. Okay. This activity is performed by my classmates Anushika and Aditya. Okay. चलिए तो करके दिखाइए क्या एक्टिविटी है और उससे कैसे आप समझाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्लंजर इट इज नॉट गोइंग बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन ऑटोमेटिकली। हाँ, यानी जैसे कि आप देख रहे हैं अनुशिका ने एक सिरेंज पकड़ा हुआ है जिसमें निडल नहीं लगा है और उसमें जो खींचने वाला पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड प्लंजर, उसको प्लंजर बोलते हैं। जनरली जो डॉक्टर्स होते हैं ब्लड वगैरह खींचने के लिए, मतलब निकालने के लिए हमारे बॉडी से, उसको पुल करते हैं। तो अनुशिका ने भी हम लोग देख पा रहे हैं कि प्लंजर को पीछे खींचा है, ये नॉर्मल सा एक्टिविटी है। लेकिन अब अनुशिका बोल रही है कि ये खींच दिया हमने प्लंजर, अब ऑटोमेटिकली वापस नहीं जा रहा है, और जनरली यही होता भी है। अब ये दिखाएंगे कुछ करके जहाँ पे ऑटोमेटिकली वापस भी चल जाएगा, देखते हैं क्या करती हैं ये। हाँ, एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करिए। हाँ, तो यहाँ नुसिका ने अभी आदित्य के हाथ पर उसका सिरिंज का माउथ स्टिक करके या उसको दबा करके और उसके प्लंजर को पुल किया तो वापस प्लंजर अपने ओरिजिनल पोजीशन वापस जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था बता सकती हैं? हाँ, तो जैसा अनुशिका ने बताया कि प्लंजर या जो इंजेक्शन का पीछे वाला हिस्सा होता है उसको जब आदित्य के हाथ पर हथेली पे चिपका कर दबा कर उन्होंने खींचा तो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, क्योंकि प्लंजर बंद था, उसमें कोई भी एयर नहीं था, ऑलमोस्ट ना के बराबर था, कुछ एयर मॉलिक्यूल होंगे बट ओवरऑल एयर के पार्टिकल इतने कम हो गए बाहर से कि वहाँ प्रेशर हो गया कम, और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसा है अभी भी वैसा ही बाद में भी था। तो चूंकि एयर का प्रेशर बाहर ज़्यादा हो गया और अंदर का कम हो गया सिरेंज में, तो वो हाई प्रेशर पुश कर रहा है प्लंजर को वापस उसके ओरिजिनल पोजिशन में जाने के लिए। तो ये होता है इम्पैक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप लोग थैंक यू अपने जगह पे जा सकते हैं, थैंक्स लॉट, प्लीज क्लैप फॉर देम। एज यू कैन सी स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट एक्टिविटी एंड दीज आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ 9th बी, सो लेट्स सी व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन द सेकेंड एक्टिविटी, प्लीज टेल। ओके, yes, and a beaker filled with water and a container in which beaker is kept. Now my friend Ariga and Sampada will perform this activity. Sampada, come here. तो अरीबा एंड संपदा आर गोइंग टू परफॉर्म द सेकेंड एक्टिविटी। अरीबा इज होल्डिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, द डिजिटल स्प्रिंग बैलेंस। अरीबा ने इसको ऑन किया है, ऑन करिए। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इस पे जीरो रीडिंग है। अब इस पे ये स्टोन जो इन्होंने नहीं, मैंने खोज के निकाला, ये तो कर रहे हैं परफॉर्म, ये इसको हैंग किए हैं, देखते हैं इस पे कितना वेट आ रहा है इसका। एग्जैक्टली 50 ग्राम दे रहा है ये स्प्रिंग बैलेंस। अब इसको ऊपर से हैंडल से पकड़िए, हाँ हैंगर से, और उसको पानी में डुबोइए, और प्लीज थोड़ा सा इधर की तरफ फोकस करिए, हाँ पानी में डुबोते जाइए, पूरा डुबोने के बाद रुक जाइए। तो जैसा कि सभी देख पा रहे होंगे जो वीडियो से देखेंगे कि पहले इसका वेट था 50 ग्राम, ऊपर करिए पूरा पूरा ऊपर करिए, अभी 50 ग्राम है, फिर नीचे लाइए पानी में, और ये हो गया 30 ग्राम, यानी 20 ग्राम पानी ये डिस्प्लेस कर रहा है जब इसको पानी में डुबोया जा रहा है इस पत्थर को। तो ये जो 20 ग्राम का रिडक्शन हुआ है पत्थर के या स्टोन के मास में, दैट इज बिकॉज ऑफ द विच फोर्स, बायोंट फोर्स, यानी अपथ्रस्ट फोर्स।
तो पानी में हम लोग जब इंटर करते हैं या कोई वस्तु जाती है तो हल्की फील होती है, क्योंकि पानी नीचे से ऊपर एक फोर्स लगाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिड्यूसेस टू अ सर्टेन लिमिट।